बंदा जी मतलब चीज़ें क्लियर हैं, कोई जी सर। इशू? नहीं सर, वो बस दूसरे स्टूडेंट साहब से पूछे तो वो फिर मेरे साथ कुछ इशू हुआ था। ठीक है जी। जी नीलम, चीज़ें क्लियर हैं आपको? वही दोबारा वैसे इशू हो गया। अच्छा, बाकी ज़रा बाकी स्टूडेंट ज़रा ज्वाइन कर लें तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक मुजम्मिल, आपने मेरी कितनी लास्ट क्लासेस ली हुई हैं? जी सर। मैंने कहा आपने मेरी कितनी क्लासेस ली हुई हैं लास्ट? सर फर्स्ट क्लास सैटरडे को ली थी और कल फिर ऑनलाइन ली थी और आज फर्स्ट थर्ड थर्ड ओके, क्लास। ठीक है। और नीलम, आपने मेरी कितनी क्लासेस ली हुई हैं? अच्छा जी, मेरे ख्याल स्टूडेंट्स हमारे पास वापस पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लासी मुजम्मिल अपना माइक बंद कर लें और अब्दुल करीम आप भी अपना माइक बंद कर लें। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट है, हमने ये बिलफर्ज हमने ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हंट कर लिया। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमने किस तरह हंट किया जी? हमने किया रैंडम सर्च मेथड से। जस्ट के आपके पास जैसे मैंने ये वर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, रैंडमली ये मेरे पास नीचे ये शो हो रही हैं, ये सजेशंस, इनको सजेशंस कहते हैं। मैंने इसको सर्च किया तो ये देखें जी, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए। मैंने इनमें से ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अब देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ से एक लीड लेनी थी, मुझे एक हाई एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना था जो कि बहुत ज़्यादा बिक रहा हो। ये मुझे वो प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है जी। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ये प्रोडक्ट का मैंने इसके ऊपर क्राइटेरिया देखा, मेरा सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है। बाय इट नाउ का ऑप्शन भी है इसके अंदर और US ओनली भी इसके ऊपर लग रहा है।
उसके बाद सोल्ड आइटम में हमारे पास सोल्ड आइटम भी इसकी अच्छी हैं, इसकी सेलर हमने हिस्ट्री देखी, आइटम परचेजिंग हिस्ट्री इसकी देखी, वो भी देखें हमारे पास। हमने जो देखना है कि लास्ट 15 डेज़ के अंदर कम से कम पाँच सेल्स तो हुई हो, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको 8 या 10 बताई थी, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया हम जो है वो आप अभी नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा क्राइटेरिया हम हल्का ही रखते हैं, ठीक है। कम से कम 5 सेल जो हैं वो लास्ट 15 दिनों के अंदर अंदर आई हों, ठीक है। अभी आज क्या तारीख है जी? 6 तारीख है, तो हमने इसको देखना है जी 20 फरवरी तक, ठीक है। 20 फरवरी तक कम से कम कितनी सेल आई हूँ हमारे पास इसकी? 5 सेल आई हूँ। तो ये देखें जी, 5 मार्च को एक आई है, 4 मार्च को एक आई है, फिर 4 को आई है, फिर 4 को आई है, फिर 3 को आई है। मतलब यहाँ तक हमारे कितने ऑर्डर हो गए हैं जी? 5 ऑर्डर हमारे पूरे हो गए हैं, ठीक है, 3 मार्च तक। तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। अच्छा, यहाँ तक, यहाँ पे किसी के बच्चे को कोई मसला है या स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो वो बताएं। जी मुजम्मिल, नीलम, जुनैरा और अब्दुल करीम, यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा बताएं। ये हिस्ट्री क्लियर है? हिस्ट्री देखना आ गई आपको? अब्दुल करीम, ये देखें यहाँ पर आपने ये वाली जो हमारे पास इसकी हिस्ट्री कैसे हमने ओपन करनी है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपने क्या करना है। ये लिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था, ठीक है। ये लिंक को आपने ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, चैट के अंदर। ये लिंक जो है आप कॉपी करें, ठीक है। आपने एक नया टैब ओपन करना है, वो लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है जी, जिसके जिसकी हिस्ट्री निकालनी है आपने, उस आइटम का जो है आइटम नंबर निकालना है। आइटम नंबर ये देखें, ये आइटम नंबर पड़ा होगा ईबे का, ये इसको आइटम नंबर कहते हैं। इसको कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद जो न्यू टैब हम जहाँ पर लिंक हमने पेस्ट किया था उसके आगे जाके ये वाला आइटम नंबर पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। तो आपके पास क्या होगा जी, उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, हिस्ट्री मेरे पास आ गई। अब मैंने देखना है कि मेरे पास पिछले 15 दिन के अंदर इस चीज़ के 5 ऑर्डर आए हों, कम से कम 5 ऑर्डर आए हों। ज़्यादा हों तो कोई मसला नहीं है, 5 से कम हो तो हम उस आइटम में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास 5 मार्च को एक ऑर्डर आया, 3 ऑर्डर आ गए जी 4 मार्च को, ठीक है, और पाँचवा जो ऑर्डर आया वो आया 3 मार्च को। हमारा 3 मार्च तक पूरा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया, ठीक है। हालांकि हमने कहाँ तक देखना था? हमने देखना था जी 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये एक हॉट सेलिंग आइटम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसको हमने करना है सोर्स, मतलब हमने इसको जहाँ से हमने ख़रीदना है इस चीज़ को, अब हमने वो वेबसाइट देखनी है। वो मैंने आपको अमेजोन और वालमार्ट बताई थी, उसका तरीकाकार मैंने क्या बताया था, आपने इसका जो टाइटल है उसको सेलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और सर्च गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे जी वालमार्ट से और अमेजोन से। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे ये वालमार्ट का, अमेजोन का एक लिंक ओपन कर लिया मैंने और देन जी ये वालमार्ट का लिंक मैंने ओपन कर लिया। अमेजोन का हमारा जो क्राइटेरिया था उसमें मैंने आपको बताया था जो जो चीज़ें हमने देखनी है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये FBA है या FBM है। तो काइंडली ज़रा जल्दी से मुझे चैट में बताएं कि ये अमेजोन ये FBA हो रहा है या FBM हो रहा है। माइक भी अपना अनम्यूट कर सकते हैं और चैट में भी बता सकते हैं। बताएं ये अमेजोन पे ये FBA है या FBM वाला बंदा है? सर FBA है क्योंकि शिप बाय अमेज़ॉन है। ठीक है, सही, ठीक है जी। अब्दुल करीम, आप बताएं। FBA ठीक है जी। अच्छा, ये पहला क्राइटेरिया जो है हमारा, हमने देखना है ये यहाँ पर अमेजोन पर FBA बैठा है या FBM बैठा है। FBA बैठा है, ठीक है, हमारे एक चीज़ एक क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल हो गया। दूसरी बात हमने देखनी थी यहाँ पे प्राइम होना चाहिए, प्राइम भी है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने देखनी थी ये जो सेलर का नाम लिखा हुआ है इसके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, कम से कम 30 का। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, वो एड ऑन जो हमने ऐड किया था, एक्सटेंशन हमने यहाँ पर जो ऐड किया था, ये देखें जी इसके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है जी, 13 की क्वांटिटी इसके पास अवेलेबल है। तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अच्छा, इसकी प्राइस जो है वो देखें, हम यहाँ पर इस तरह मान लें कि ये प्रोडक्ट जो है इसके साथ हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है। इसकी जो इसके पास क्वांटिटी जो है वो भी 30+ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये कि इसके पास 30+ क्वांटिटी है। और इसका ग्राफ, हमने जो हमारा फोर्थ फिल्टर था वो ये था कि जी हमने इसका ग्राफ भी देखना है,
ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ दो वेरिएशन होनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, ये ग्राफ 3 माह का हमने ग्राफ देखना है जो कि ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्ट है, और ये FBA वाला बंदा है तो हमने यहाँ से सिर्फ FBA वाला ऑन रहने देना, बाकी सब ऑफ कर देने हैं। न्यू थर्ड पार्टी FBA वाला ऑन रहने देना है, बाकी सब जो है ऑफ कर देने हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर दोनों जगह पर अमेजोन होता तो यहाँ पर भी एक अमेजोन का ऑप्शन आना था, आपने उसको ऑन कर देना था और बाकी सबको क्या कर देना था, ऑफ कर देना था। अब अच्छा, आप देखें अपने ग्राफ किस तरह देखना है, ग्राफ देख इस तरह देखना है कि हमारे पास जो ग्राफ है ना वो तकरीबन जो है वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल माइनर सी एक फ्लक्चुएशन आई है, एक माइनर सा चेंज है, ठीक है, छोटा सा एक चेंज है, तो ये काबिल कबूल है हमारे लिए। हमारे पास मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज आ सकता है ना ग्राफ के अंदर, वो 2 मरतबा जो है वो हम काबिल कबूल है। अगर उससे ज़्यादा मरतबा आएगा तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अब ये देखें, 1 मरतबा ये मैं बिल्कुल सही लाइन आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ड्रॉप आया, फिर थोड़ा सा अब चला गया, ये नेग्लिजिबल है, इसको हम जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को आप स्ट्रेट ले लेते हैं। यहाँ पे एक मेजर फ्लक्चुएशन आई है, मेजर चेंज आया है, एक बड़ा चेंज आया है, एक चेंज इसको कंसिडर कर लें। उसके बाद ये देखें जी, दूसरा चेंज यहाँ पर आया है, तीसरा चेंज यहाँ पर आ गया है, तो हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से नहीं सोर्स नहीं करेंगे, यहाँ पर सोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई एक क्राइटेरिया भी हमारा मीट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से नहीं ख़रीदेंगे। नेक्स्ट चलते हैं वालमार्ट पे। वालमार्ट पे मैंने आपको बताया था कि सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट होना चाहिए आपका, और यहाँ पर हम आइटम को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट नहीं है, सोल्ड एंड शिप बाय ये कोई थर्ड पार्टी बंदा बैठा हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये शिपिंग ज़रूर लाजमी होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर एक होता है पिकअप बाई हैंड भी होता है, और साथ होता है फ्री शिपिंग। यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखनी है, सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे फ्री शिपिंग लिखा होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें यहाँ पर वालमार्ट पर लिखी हुई हैं, और यहाँ पर जो प्राइस है वो कम है बनिस्बत जो चीज़ हम यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 14.88 है, और यहाँ पर वालमार्ट पे हमारे पास कम होनी चाहिए 14.88 से, तो देन हम यहाँ से चीज़ जो है वो उठाएँगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है अभी इसकी प्राइस जो है वो कम है, ठीक है, अमेज़ोन पे भी इसकी प्राइस कम है। अमेज़ोन से अगर सोर्स करें, जब लास्ट टाइम मैंने शीट बनाई थी इसकी, लास्ट टाइम मैंने इसको सोर्स किया था, तो इसकी प्राइस जो थी अमेज़ोन पे ईबे पे जो प्राइस थी इस आइटम की वो मेरे पास कितनी थी जी, 14.88 ही थी, ठीक है। ये देखें 14.88 ही प्राइस थी मेरे पास इस आइटम की, और जो मेरे पास अमेज़ोन के ऊपर इस आइटम की प्राइस थी वो कितनी थी जी, 8.99। ये देखें 8.99 मेरे पास प्राइस थी। ये मैं यहाँ पर जो दूसरा सेलर था मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाकी सेलर ओपन हो गए हैं, ये बी हेल्दी के नाम से इसने भी 13.99 प्राइस कर दी है, और इसने भी 13.99 कर दिया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से अगर इसको ओपन करके देखते हैं जी इसकी प्राइस को, ठीक है, ये देखें 8. लास्ट इसकी प्राइस क्या थी जी, 8.99 प्राइस थी। 5 मार्च को इसकी प्राइस क्या थी जी, 8.99 प्राइस थी इस आइटम की, और आज इसकी प्राइस देखें जी क्या हो गई है, 13.99, ठीक है, आज इसकी प्राइस 13.99 हो गई है, और 5 मार्च को इसकी प्राइस क्या थी, 8.99 प्राइस थी। तो इस वजह से अगर इसका ग्राफ कांस्टेंट रहेगा तो हमें क्या होगा, हमें पता होगा कि इसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही। अब जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी तो मैंने इसकी यहाँ पर ग्राफ बना कर रखी थी ये शीट, तो मुझे ये आइटम पड़ रही थी जी 8.99 की, ठीक है। और अब अगर मुझे ऑर्डर, मैं इस चीज़ को लिस्ट कर देता और मुझे ऑर्डर आ जाता इस चीज़ का, तो मुझे तो नुकसान हो जाना था। अभी कितने की थी ये यहाँ पर, कितने की अमेज़ोन पे कितने की होगी है, तो जी अमेज़ोन पे ये होगी है जी 13.99 की होगी। अगर मैं यहाँ पे शीट में जाके चाहिए इसकी वैल्यू पुट करता हूँ जो आज के अभी के हिसाब से 13.99, तो यहाँ पर मुझे देखें कितने डॉलर का नुकसान हो गया, $2 का मुझे नुकसान हो गया। किस वजह से हुआ है कि मैंने ग्राफ नहीं देखा था, ठीक है। तो ग्राफ ना देखने का ये नुकसान होता है आपको कि ग्राफ अगर कॉन्स्टेंट नहीं होता और आप उस आइटम को लिस्ट कर देते हैं, जाके बेचने के लिए लगा देते हैं अपनी शॉप में जो आप बनाएंगे इंशाल्लाह ईबे पे, तो हमें ये नुकसान होगा कि हमारी प्राइस जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है और बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं सर, जो आप ग्राफ चेक कर रहे हैं कीपा का, जी जी, इससे हम लोगों ने मस्ट क्या चीज देखनी है कि वो होनी चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए हाँ ग्राफ, जी जी, स्टेबल होना चाहिए, लाइन बिल्कुल अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ अगर और, जी जी पूछे, और इस पे आप अमेज़न चेक कर रहे हैं या दूसरे कोई प्राइम चेक कर रहे हैं?
ये देखिए ना, यहाँ पर यहाँ पर कौन सा है, ये FBA थर्ड पार्टी बंदा FBA कर रहा है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा अमेजोन को इन्वो अमेजोन से शिपिंग करवा रहा है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी FBA हो रही है, ऐसे ही है। यहाँ पर अमेजोन खुद चीज़, ग्राफ पे हमने अमेजोन ही देखना है कि अमेजोन होना चाहिए नहीं, हिपा पे। ग्राफ पे अमेजोन तब होगा जब शिप फ्रॉम और सोल्ड फ्रॉम में अमेजोन लिखा होगा, तब यहाँ पर अमेजोन का ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर अमेजोन दोनों जगह पर तो अमेजोन सर होगा, हमें ईबे के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभी हम ईबे को नहीं देख रहे, अभी हम अमेजोन पे देख रहे हैं ना, चीज़ का सोर्स कर रहे हैं। जो ईबे का हमारा क्राइटेरिया था वो तो सारा फुलफिल हो गया है ना, बाय इट नाउ का भी फिल्टर लग गया, ठीक ठीक है, है हाँ जी ये तो पता है, ये पता है, लेकिन हाँ जी, पूछें। पर हमने ग्राफ पे क्या देखना है, ये जो अमेजोन का है हमने ग्राफ पे जिसे हम प्रोडक्ट रख ये सकते देखें, हैं। ये देखें, ये हमने ग्राफ पे ये न्यू थर्ड पार्टी FBA को ऑन करना है, और हमने इसका ये ग्राफ देखना है, ये स्टेबल होना चाहिए, इसमें अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। ये वाला न्यू थर्ड पार्टी FBA को हमने हमेशा ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। और अगर यहाँ पर न्यू थर्ड पार्टी FBA के अलावा अगर यहाँ पर अगर अमेजोन शो हो रहा होगा ना, तो सिर्फ आपने अमेजोन को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। जी सुनहरा, जी सर, क्लियर है अब चीज़ ये? सर कनेक्शन कट गया था, जरा दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ जो है न्यू थर्ड पार्टी FBA जहाँ पर लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसको ऑन करना है, बाकी सब बंद रहेंगे, ठीक है। और अगर इस लिस्ट के अंदर अमेजोन लिखा होगा तो बाकी सब बंद रहेंगे, सिर्फ अमेजोन ऑन करेंगे आप, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ ठीक पर, है, अब देखें, यहाँ पर अमेज़ोन इन्वॉल्व है, यहाँ पर अमेज़ोन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो हमने किसको ऑन किया, न्यू थर्ड पार्टी FBA को। जी क्लियर है? जी सर, ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ देखना था, ग्राफ इसका स्टेबल होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर एक या दो मरतबा अप एंड डाउन हो रहा है तो कोई मसला नहीं, जैसे ये देखें, ये ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, एक मरतबा डाउन हो गया, ठीक है, एक चेंज आ गया, ठीक है, दूसरी मरतबा स्ट्रेट जा रहा है और फिर ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये दो चेंज यहीं पर मुकम्मल हो गए। अब अगर इसके बाद कोई चेंज आएगा तो मैं इस प्रोडक्ट को नहीं देखूंगा। अब देखें, अगर यहाँ तक सही जा रहा था, ये लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ से जाती, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से ख़रीद सकता था। अब मैं क्यों नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये देखें, एक चेंज यहाँ पर आया, दूसरा चेंज यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर से एक चेंज आ गया बहुत बड़ा, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊँगा। अब मैंने आपको बताया कि मैंने जब इसकी शीट बनाई थी यहाँ पर, तो मुझे ये प्रोडक्ट पड़ रही थी जी 7.99 की पड़ रही थी, ठीक है, और मुझे इसमें अच्छा खासा मार्जिन भी बच रहा था, ROI इसकी 30% से ज़्यादा थी, इसकी प्राइस जो है वो जो $15 से कम थी, और प्रॉफिट मार्जिन भी $3 से भी ज़्यादा है। हालांकि मैंने आपको बताया था अगर 15 से कम है इसकी प्राइस तो $2 से ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसका ग्राफ जो है वो अच्छी तरह कंसीडर नहीं किया था, तो ये देखें आज इसकी प्राइस देखें कहाँ चली गई है, 13.99 पर चली गई है। अगर ये ग्राफ स्टेबल होता तो मे भी इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल रहती, ठीक है, लेकिन अब देखें इसकी प्राइस कहाँ चली गई है, 13.99 पे चली गई है। अब चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? यस सर, अच्छा, और कोई मसला है, या किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो पूछें, क्लियर करूँ मैं उसको। जी नीलम, नईम भाई, मुजम्मिल, नहीं सर ओके है। नहीं सर ठीक है, आप बताएं आगे। ठीक है, अच्छा, आपको अगर मैं क्लास आपकी शुरू से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जहाँ से जो हमारा मेरा न्यू सेशन मेरा स्टार्ट जब मैं करता हूँ, तो मैं किस तरह करता हूँ वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसको ज़रा अब आपने चीज़ों को जो है वो गौर से समझना है। ई कॉमर्स और कॉमर्स में फ़र्क क्या होता है जी? कॉमर्स की अगर हम बात करें तो जब हम रियल सर ये वर्ल्ड, शुरू से स्टार्ट, हाँ, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको गौर से समझना, जो क्लासेस आपने छोड़ी हुई हैं मैं वो क्लियर करने लगा हूँ आपकी, ठीक है, अब इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। जी सर,
अच्छा कॉमरेंस क्या होती है जी? कॉमरेंस की अगर बात की जाए तो आम आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो तिजारत को कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। आप किसी से आप किसी को पैसे दे के उससे अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई चीज़ उससे ख़रीदते हैं, तो उसको हम जो है तिजारत कहते हैं। कि चीज़ों का लेन देन आपस में, ठीक है, पैसों के एवज जो होता है, किसी चीज़ के एवज होता है, उसको हम तिजारत कहते हैं। अगर यही तिजारत जो है हम डिजिटली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करें तो उसको हम ई कॉमर्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा ई कॉमर्स का ये इतनी मुश्किल टर्म नहीं थी, ये इजी टर्म है, कोई मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम, बात करते हैं डॉलर्स की। अगर पाकिस्तानी रुपये में, अगर अभी आज के अभी के दौर में, अभी के ज़माने में, अभी के वक्त में अगर हम पाकिस्तानी रुपये में चीज़ अर्न करें, पाकिस्तानी पैसे में अगर हम अर्न करें, तो हमारी तो ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती हैं। वो इस वजह से नहीं होती कि पाकिस्तानी जो रुपया है इसकी कीमत जो है वो बहुत गिर चुकी है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, ठीक है। तो क्यों ना हम पाकिस्तानी रुपये को छोड़ के डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम डॉलर में थोड़ी भी अर्निंग करेंगे तो वो पाकिस्तानी रुपये में जब कन्वर्ट होके आएगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में बैठे कोई क्लाइंट पकड़ते हैं ईबे का, कोई क्लाइंट पकड़ते हैं ईबे का, 1000 डॉलर का कोई क्लाइंट पकड़ते हैं, ठीक है, उसके साथ आपकी डील होती है, आप उसको कहते हैं जी आपका जो अकाउंट है वो मैं उस पर सर्विसेज दूंगा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, पैसा शैसा आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, मैं सिर्फ उसको चलाऊंगा, उसके ऊपर सेल लेकर आऊँगा, ठीक है। आपकी उसके साथ डील होती है, आप उससे मंथली 1000 डॉलर लेंगे, उसके लिए तो 1000 डॉलर बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके मुल्क की करेंसी के हिसाब से। तो जब उसको हम 1000 डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन, ये जब मैंने स्लाइड बनाई थी 261 था इसका रेट, अब 285 हो गया, 285,000 रुपया बनता है पर मंथ। अगर आपको एक क्लाइंट भी मिल जाए ना 1000 डॉलर का ईबे का, तो आपके पास मोर देन इनफ मनी होती है कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लाइंट दो एक से ज़्यादा मिल जाते हैं, दो क्लाइंट मिल जाते हैं 500 डॉलर के, तो वो भी तकरीबन इतनी रकम बनती है। दो क्लाइंट अगर 300 डॉलर के मिल जाते हैं तो वो भी कोई 1.5 लाख से ऊपर ही पैसे बनते हैं। तो पाकिस्तानी रुपये में अर्निंग करने के बजाय बेहतर हमारे लिए ये नहीं है कि हम डॉलर्स में अर्निंग करें, उसमें हम कम भी कमा लेंगे तो वो हमारे लिए पाकिस्तानी करेंसी में तो ज़्यादा कमाने से बेहतर है, वो हमारी जो नीड्स हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह पूरा करेगा अगर हम कम भी कमाते हैं डॉलर्स में। तो आज से आप अपना मोटिव बना लें कि इंशाल्लाह आपने अपने आने वाले 6 महीने के अंदर जो है आपने 1000 डॉलर जो है वो इस फील्ड से निकालना है ई कॉमर्स की। अच्छा ई कॉमर्स की फील्ड का एक बड़ी मज़े की चीज़ वो ये है कि आप कभी भी आप इस तरह आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी कि आपने क्या ना कहा जी मैंने 2 माह का कोर्स कर लिया, ठीक है जी, अब मेरी जेब में पैसे क्यों नहीं आ रहे। कम से कम ई कॉमर्स की फील्ड में आपको 6 माह देने पड़ते हैं, कम से कम 6 माह जो है वो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, ताकि चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप हो, ठीक है। चीज़ों के ऊपर जब आपकी ग्रिप हो जाएगी देन फिर आप चीज़ों को जो वो इस्तेमाल करना सीखेंगे, देन चीज़ों से आप रिज़ल्ट निकालेंगे। हमारे पास जो फिज़िकल अभी आपके ही बैच में जो फिज़िकल स्टूडेंट्स हैं वो उनको उनको उनके ऊपर मैं अच्छी तरह मेहनत कर रहा हूँ, उनमें से ही मैंने VAs निकालने हैं, वर्चुअल असिस्टेंट निकालने हैं, उनको क्लाइंट्स के अकाउंट देंगे हम, ठीक है। आप में से भी जो बच्चा अच्छा काम करेगा, जो स्टूडेंट अच्छा काम करेगा, उनको उसके जिसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसको हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे, हम उसको अकाउंट्स देंगे, ठीक है, जिसके ऊपर वो काम करेगा, रियल रियल अकाउंट्स के ऊपर काम करेगा और अपने जो स्किल्स है स्किल सेट उसको मजबूत करेगा, ताकि जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है उसको मुश्किलें ना आए, उसका जो उसके जो स्किल सेट है उसके जो चीज़ें हैं वो हाथ से उसके गुजर जाएँ एक मरतबा, ताकि उसको कोई मुश्किल ना हो काम करने में। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपको ऐसी कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से क्लाइंट मिल सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के क्लाइंट आपको कौन कौन सी फ्रीलांसिंग प्लेसेस से मिल सकते हैं। अपवर्क जो है इसका तो सबको ही पता है, ठीक है, अपवर्क फाइवर एक बहुत मशहूर जो है वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट मिलते हैं। देन फ्रीलांसर एक वेबसाइट, एक पीपल पर आवर है, और एक गुरु गुरु डॉट कॉम जो है ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, हिशाम सर्वर ने बनाई थी। ये हिशाम सर्वर सब लोग आगाह होंगे ये कौन है, ये बेसिकली एक ब्लॉगर है पाकिस्तान के, डिजी स्किल्स में ये लेक्चर वगैरह भी देते रहे हैं। ये पाकिस्तानी वेबसाइट है गुरु डॉट कॉम। देन आती है जी फेसबुक। फेसबुक जो है ना वो क्लाइंट हंटिंग के लिए सबसे आसान और सबसे बड़ी जो है ना वेबसाइट फेसबुक है, यहाँ से आपको सबसे आसानी से क्लाइंट मिलते हैं इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ना। तो ये भी हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सिखाएंगे जैसे जैसे कोर्स हमारा चलता जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ईबे में हमें हमारे पास जो है वो पैसे शैसे आते हैं कि नहीं आते हैं जब हम काम करते हैं। तो ये उस चीज़ का एक सबूत है, ये हमारे पास एक अकाउंट है जो कि डस्का कैंपस में इस वक्त चल रहा है, जिसकी लास्ट 31 डेज़ की सेल जो है ना वो 51,450 डॉलर है। अच्छा ये तो चले स्क्रीनशॉट, आप कहेंगे जी फेक है, मैं आपको अपना अभी अपना जो अकाउंट मेरे पास यहाँ पर चल रहे हैं ठीक है, इसमें जो रियल जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? सर ठीक है। अब ये देखिए आपकी आवाज कट रही है सर। आपका इंटरनेट का इशू है। अच्छा जी ये देखें, ये हमारे पास एक अकाउंट चल रहा है एक क्लाइंट का ठीक है, जो कि यूएस बेस्ड अकाउंट है ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट 31 डेज़ की सेल है वो ये देखें हमारे पास 961 डॉलर है ठीक है। और अगर हम आपको लास्ट 90 डेज़ की सेल दिखाएं, मैं यहाँ पर चलता हूँ जी सेलर ओवरव्यू में, यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ की आपको सेल दिखाते हैं। ये लो डोल है, ये हमारे पास लास्ट 90 डेज़ की जो है वो सेल है ठीक है। 69 आइटम्स हमने लिस्ट की हुई हैं ठीक है, 69 आइटम मतलब लिस्ट का। ये मैं नेक्स्ट जब आपको करवाऊंगा मैं अकाउंट के ऊपर लेकर आऊँगा तब आपको बताऊँगा इस इन चीज़ों के बारे में। ये चार ऑर्डर हमें आए हुए हैं, ये चार चीज़ें देखिए जी, शिप इट का मतलब होता है कि इन चीज़ों को आप शिप करें ठीक है, मतलब इन चीज़ों का ऑर्डर आप जो है वो कंप्लीट करें। ये चार ऑर्डर आए हैं हमें ठीक है, 8-8 मार्च को जो है ये चार ऑर्डर हमें डिलीवर करने हैं। ये नीचे जो ऑर्डर हैं ये हमने डिलीवर कर चुके हैं ये वाले ठीक है। ये देखें यार, ये जो है ये वो आइटम्स हैं जो लोगों ने हमें ऑफर्स भेजी हैं कि आप ये हमसे परचेज़ करें। अभी ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इसका अर्निंग पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें वाकई ही अर्निंग होती है कि नहीं होती। ये जी इसकी 90 डेज़ की सेल है और 1 मंथ की सेल मैंने आपको पहले दिखा दी है। ये देखें ये वालमार्ट जो है ये यहाँ से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये मेंबरशिप ली हुई है वालमार्ट की, ये ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हुए हैं ठीक है। ये हमने शीट बना के रखी हुई है उन ऑर्डर्स की, हमारे पास जो जो सारा काम होता है इसकी फ़ीस वगैरह कितनी, आरओआई वगैरह क्या आ रहा है उसका, ये हमारे पास शीट है उसकी। और ये आरओआई कैलकुलेटर है शीट में, जैसे आरओआई हम निकालते हैं कितने परसेंट आरओआई आ रही है। देन ये हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, अभी मैं आपको अमेज़ोन प्राइम दिखा देता हूँ कि अमेज़ोन प्राइम जो मेम्बरशिप होती है वो किस तरह की होती है। ये जी अमेज़ोन प्राइम की मेंबरशिप होती है ठीक है, यहाँ से आप जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं वो उसके ऊपर आपको डिलीवरी फ्री हो जाती है। फिर ये देखें यहाँ से जो हमने ऑर्डर जो परचेज़ किए हुए हैं, जो ऑर्डर वगैरह हमने यहाँ से लगवाए हुए हैं अपने जो हमें ऑर्डर आए थे, ये 5 मार्च को एक ऑर्डर हमने प्लेस किया है ठीक है, ये भी 5 मार्च को प्लेस किया है, ये 4 मार्च को प्लेस किया था। ये वाला जो आइटम है ये इंशाल्लाह कल 10 बजे जो है डिलीवर हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर हमें इसकी डिलीवरी जो है वो फ्री हो गई थी ठीक है। ये एक मेंबरशिप ये वाली है और एक मेंबरशिप ये वालमार्ट की होती है। और जो मैंने आपको एक थर्ड बताया था होम डिपो के नाम से बताया था आपको, होम डिपो जो है वो पाकिस्तान में ओपन नहीं होता, वो पाकिस्तान में बैन है। ये बेसिकली हम एक प्रॉक्सी लगा के इसको ओपन किया हुआ है, एक वीपीएन वाला तरीका लगा के इसको ओपन किया हुआ है। ये एक होम डिपो वेबसाइट है, यहाँ से भी हम सोर्सिंग करते होते हैं। तो ये हमें ये एक आपको एक लाइव अकाउंट का मैंने प्रॉपर डैशबोर्ड भी दिखा दिया ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी जब काम करेंगे आप भी जो है अच्छी खासी अर्निंग करेंगे इससे इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं इस चीज़ को लेके, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो मुझे डिस्कस कर सकता है जी। सर ये आप क्लाइंट के अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपने अपना नहीं खुद बनाया कोई? अभी मेरा जो पर्सनल मेरा जाती अकाउंट है वो भी हेल्थ के फेस में है, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी क्लाइंट के कुछ को इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा अभी इशू चल रहा था इस वजह से, और कुछ जो है वो मेरा अभी अकाउंट जो है पेयोनियर के साथ अटैच नहीं हुआ। मैं आपको अपना जाती अकाउंट भी दिखा देता हूँ जो कि अभी उसकी हेल्थ बन रही है अकाउंट की। ये देखें ये मेरा नाम, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था शाहिद अली मेरा नाम है। ये मैं इसकी समरी ओपन करता हूँ, यहाँ से अगर मैं सेलिंग पर जाता हूँ ओवरव्यू में, तो जी ये मेरे पास मेरा अकाउंट बन चुका है ठीक है। लेकिन ये भी हेल्थ फेज़ में, इसकी मैं हेल्थ बना रहा हूँ, 3 माह के अंदर ये अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा ड्रॉप शिपिंग के लिए। अभी इस पे मुझे 7,000 डॉलर की लिमिट मिली है कि मैं 7,000 डॉलर इस अकाउंट पे इस माह में अर्न कर सकता हूँ और 200 आइटम मैं यहाँ पर बेच सकता हूँ अपनी दुकान के अंदर। अच्छा अभी मैं आपको बताऊँ इसमें जो इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पेयोनीर की जो वेरीफिकेशन है उसका ज़रा इशू आ रहा था मेरा। ये देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं।
जो ड्रॉप शिपिंग है वो पाकिस्तान में चल रही है? जी चलती है। आप अकाउंट्स को, ये भी हमारा ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट मैंने आपको दिखाया है, जो हम ड्रॉप शिपिंग जो आपको सेल दिखाई, ये भी ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट था। अच्छा जी ये देखें, मैं अभी सर, ये आपका कितने पैसों में क्रिएट हुआ है जो ड्रॉप शिपिंग ईबे का अकाउंट? ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ज़रा जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं उस पर गौर करें। ये वेरिफिकेशन सेंटर में मैंने अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले इनको डॉक्यूमेंट्स अपने दोबारा दिए हैं, लास्ट मैंने इनको दिए थे, तीन तीन मरतबा मेरे जो हैं वो रिजेक्ट हो गए, तो उसमें ज़रा इशू आ रहा था। अभी अभी मैंने इसको इनको थोड़ी देर पहले सबमिट किया है, देखे 6 मार्च को, ठीक है, अंडर रिव्यू है, इंशाल्लाह ये जैसे ही वेरीफाई होता है यहाँ पे ये इस तरह अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा। जब अप्रूव लिखा आ जाएगा तो मेरा ये जो पेयोनियर का अकाउंट है फिर इसके साथ अटैच हो जाएगा ईबे के साथ, और मैं यहाँ से फिर पैसे रिसीव कर सकता हूँ अपने पेयोनियर के अकाउंट में, वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। जी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? जी ठीक है। अच्छा सर, प्राइम मेंबरशिप की, सॉरी जी जी पूछे पूछे सर, प्राइम प्राइम मेंबरशिप सर कितनी देर के लिए, 1 माह की होती है? जी 1 माह के लिए होती है, आपको हर मंथ इसके $12 के $14 आपको पे करना पड़ते हैं, ठीक है, और उसमें आप जितनी मर्जी डिलीवरीज वगैरह करवा सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो डिलीवरी आप चीज़ आइटम मंगवाते हैं ना, भिजवाते हैं, वो 4 डेज़ के अंदर अंदर डिलीवर हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई इशू हो यहाँ तक तो मुझे बताएं। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं हम, कि डायरेक्शन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस हमारी क्या होगी। हमने अगर आप 6 मंथ के स्टूडेंट हैं तो हमने आपको ईबे में ही पहले इनरोल क्यों किया? ईबे में इनरोल इसलिए किया आपको कि ईबे पर दुनिया की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट है ना वो अमेज़ोन है, लेकिन उसके अंदर जो है ना आप डायरेक्टली जो है जब वहाँ पर जाके आप काम नहीं कर सकते, क्रैश कर जाएंगे आप। वो बेसिकली इस तरह ही है कि आप एक न्यू ड्राइवर पकड़े हैं आप, ठीक है, जिसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती, आप उसको गाड़ी दें एक अच्छे वाली, आप उसको कहें कि जी ये मोटरवे है, यहाँ पे तुमने 200 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, इससे कम नहीं चलानी, तो वो ऑब्वियसली वो क्रैश कर जाएगा। ईबे अमेज़ोन जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें जाने के लिए आपके पास स्किल होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस और स्किल हम जो है वो कहाँ से लेंगे? ईबे से लेंगे। ईबे की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट है, इसके ऊपर जो है आपको होलसेल का भी थोड़ा सा जो है वो टच मिल जाता है, उसके बाद आपको प्राइवेट लेबल का भी टच मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ बिज़नेस मॉडल कौन कौन से होते हैं जो जिनके ऊपर हम काम करते होते हैं। बेसिकली जो है ना हमारे पास बिज़नेस मॉडल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 4 तरह के बिज़नेस मॉडल होते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहला होता है जी हमारे पास होलसेल की बात करते हैं। होलसेल में ये होता है कि आप किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं, जैसे कोका कोला है ना, उसके पास आप जाएंगे, ठीक है, आप उनको कहेंगे जी आप अपना जो सामान हमें होलसेल पर दे दें, हम भी आपका सामान सेल करना चाहते हैं। वो आपको एक लाइसेंस देंगे, साथ आपको अपना सामान होलसेल पर देंगे, वो सामान जो है वो आप फिर ईबे के या कोई ईबे के या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाते हैं, वहाँ से फिर वो चीज़ क्या करते हैं उसकी डिलीवरी करवाते हैं कस्टमर तक, ठीक है, उसको सेल करते हैं फिर आप ईबे पे या अमेज़ॉन पे। देन दूसरा जो कंसेप्ट है वो आ जाता है हमारे पास प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल होता है अपना ब्रांड जो लॉन्च करते हैं हम किसी भी जगह पे ना, उसकी जब अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं उसकी आपको प्रमोशन करनी पड़ती है, उसका आपको पहले नाम बनाना पड़ता है, ठीक है, चीज़ें वगैरह तैयार करवा के पहले वेयर हाउस में रखवानी पड़ती हैं, जब फिर हम उसको लिस्ट करते हैं दुकान में रखते हैं बेचने के लिए, फिर उसके ऑर्डर आते हैं, फिर हम उसको सेल करते हैं। नेक्स्ट जो इससे अगला स्टेप है वो हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आता है। उसमें क्या होता है कि आप समझ लें एक एक शॉप मेरी है, उसके साथ एक और बंदे की शॉप है, ठीक है, अब जो मेरे साथ वाला बंदा है वो एक चीज़ सेल कर रहा है, 100 रुपये की चीज़ सेल कर रहा है। मैंने देखा अच्छा यार ये बंदा ये 100 रुपये में चीज़ सेल कर रहा है, मैंने वो चीज़ देखी, मैंने उसको दूसरी मार्केट में घूमा, मुझे वो मिल रही है जी 50 रुपये की भी मिल रही है, ठीक है, मैंने क्या करना है, जहाँ से मुझे 50 रुपये की मिल रही है मैंने वहाँ से चीज़ों की तस्वीरें लेनी है और उसे अपनी दुकान में लाके लगा देना है कि मैं भी ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, लेकिन कितने की कर रहा हूँ, 90 रुपये की कर रहा हूँ। जो मेरे साथ वाला था वो 100 की कर रहा है, मैंने क्या कहा मैं 90 की कर रहा हूँ। अब क्लाइंट जो है वो 100 वाले के पास नहीं जाएगा, वो 90 वाले के पास आएगा, मतलब वो मेरे पास आएगा, तो जब वो मेरे पास आएगा मुझे वो 90 रुपये मुझे देगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा वही पैसे जो है मैं पीछे जाके 50 रुपये पीछे दूंगा, वहाँ से चीज़ जो है वो कस्टमर तक पहुँच जाएगी और $40 जो है अंदर 40 रुपये जो है वो मुझे बचत हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप शिपिंग का, आप एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे होते हैं। जी ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आपको बिजनेस मॉडल? स्टूडेंट्स आपको ये 3 मॉडल क्लियर हुए हैं? जी जी क्लियर हो गए। जी मुजम्मिल, नीलम एंड जुनैरा,
जी सर क्लियर है। ठीक है जी। तो ये वाली क्लासेस जो थी ना, ये आपने मेरी मिस की हुई थी, इसमें मैं बेसिकली बेस बनाता हूँ ताकि नेक्स्ट जो जब हम चलते हैं ना क्लासेस को लेके, उसमें आपको इश्यूज ना आए। अभी सर आपको जी, ये थोड़ा करेगा नेट कट गई थी ना, इसी वजह से तो अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ करीम, आप रिपीट कर रही है। मैं कर देता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर आपको कोई इशू आता है तो आप चैट में लिख के मैसेज करके यहाँ पर बताएं, ठीक है। अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारे पास होलसेल का कॉन्सेप्ट होता है, होलसेल बिजनेस होता है, उसमें क्या हम करते हैं, हम बल्क में माल खरीदते हैं, हम ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हैं किसी बड़े ऐसे ब्रांड से जो पहले मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। हम जाके उसे कहते हैं भाई, हाँ, हम उसको एतबार दिलाते हैं कि हम आपका सामान बेचेंगे, वो आपको एक लाइसेंस दे देते हैं और उसके बाद आपको होलसेल पे सामान देते हैं, वो सामान आप आके मार्केट में रिटेल प्राइस पे सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे अच्छा पास आता है वो होता है हमारे पास जी प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल में ये करते हैं हम कि अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, मतलब अगर जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बनाना शुरू कर दें, ठीक है, आप पहले उसको फैक्ट्री से जाके बनवाएंगे, ठीक है, बनवाने के बाद आप उसको किसी न किसी वेयर हाउस में रख देंगे, फिर उस चीज़ को अपनी दुकान में रखेंगे जो आपकी ईबे पर होगी, उस दुकान में आप उस चीज़ को रखेंगे, फिर आपको जब उसका ऑर्डर आएगा फिर आप उसको वो अपने वेयर हाउस उस चीज़ को कस्टमर तक पहुँचा देंगे। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आपको अपना ब्रांड का नाम बनाने में टाइम शाइम लगता है, इसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है आपको। उसके अगला मॉडल जो आता है वो ड्रॉप शिपिंग आता है। जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो मैं आपको जो मॉडल में सिखा रहा हूँ ना, जो मॉडल आपको मैं अभी स्टार्टिंग में सिखा रहा हूँ, वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि एक जगह पे समझ समझे एक आपने एक जगह पे आप हैं, ठीक है, आपके पास एक दुकान है, अब आपने भी उसके साथ एक दुकान बना ली, ठीक है। एक दुकान में एक चीज़ 100 रुपये की एक बंदा सेल कर रहा है, आपके साथ वाला एक बंदा जो है वो 100 रुपये में चीज़ सेल कर रहा है, आपने देखा अच्छा ये 100 रुपये में सेल कर रहा है इस चीज़ को, आपने क्या करना है वो चीज़ की, वो जो चीज़ वो बेच रहा है दूसरी मार्केट में जाके उस चीज़ को ढूंढना कि वो वहाँ से आपको कम पैसों में मिल जाए। अब आप जब दूसरी मार्केट में गए, आपने देखा कि मुझे 50 रुपये की चीज़ मिल रही है जो यहाँ पर बंदा 100 रुपये की बेच रहा था, आपने उस चीज़ की तस्वीरें लेनी है, अपनी दुकान में आके लगा देनी है, 90 रुपये की लगा देनी है, ठीक है, ताकि जो बंदा 100 रुपये में ख़रीद रहा था वो आपके पास आए और आपसे 90 रुपये की लेके चला जाए, ठीक है। जब फिर वो बंदा आपके पास आता है, क्लाइंट आपके पास आता है, कस्टमर वो आपसे आके 90 रुपये में वो चीज़ लेता है, आप क्या करते हैं वो पैसे लेके जाते हैं दूसरी मार्केट में, ठीक है, वहाँ से जाके आप क्या करते हैं 50 रुपये पीछे पीछे वाले बंदे को देते हैं, वो आइटम जो है वो उस एड्रेस पे भिजवा देता है कस्टमर के एड्रेस पे, और आपको $40 या 40 रुपये का अंदर से मुनाफा हो जाता है। इस तरह ड्रॉप शिपिंग काम करती है। ये तीनों मॉडल मैंने आपको नहायत ही आसान जुबान में समझाए हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे मॉडल हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, अगर किसी को अभी भी इशू है तो वो बताए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जो है द डायरेक्शन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस से थोड़ा सा इशू एज करेगा डायरेक्ट वो मैं करवा देता हूँ, यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं आप। नहीं सर, यहाँ पे कोई इशू नहीं। थैंक ठीक है यू। जी, ठीक है जी। अच्छा, मैं हम थे डायरेक्शन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस पे थे हम, ठीक है। अच्छा, जब हमने ई कॉमर्स को स्टार्ट करना है वो ईबे से करना है, इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि बहुत फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस है, ठीक है, इसमें अकाउंट बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, पाकिस्तानी रिटेल पे भी अकाउंट बन जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि अकाउंट आपका किस तरह बनेगा। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आपने सबसे पहले एक क्लाइंट ढूंढना है, जैसे फेसबुक से हमने या फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से कोई क्लाइंट ढूंढ लिया ना, उसके बाद क्या करना है उसको अपने दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आना है। जब आप उसके साथ काम करना शुरू करेंगे ना, आपने उसको फाइवर या अपवर्क पे लेकर आना है, ताकि आपका जो है वो एक प्रोसेस, ना आपके पैसे मरे ना क्लाइंट का काम मरे, ठीक है। तो आपने उसको उधर लेके आना, इस तरह क्या होगा कि आपकी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होंगे उनकी हेल्थ बनती जाएगी, उनके उसके ऊपर रिव्यूज़ आते जाएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे आपको टच करेंगे अपना काम करवाने के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने एक टीम बना लेनी है, ठीक है, आपने अकेले काम नहीं करते रहना, आपने बढ़ना है, खुद को ग्रो करना है, ठीक है, एक जगह पे आपने रुकना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे साथ जोड़ने हैं, उनको काम सिखाते जाना है, अपने आप को ग्रो करना है। जैसे जब आप ईबे सीख लेंगे फिर आपने आना जी एटसी की तरफ आ जाना है, वॉलमार्ट की तरफ आ जाना है, दराज की तरफ आना है, फेसबुक की तरफ आ जाए, ठीक है, यहाँ उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट बनाएं। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये तमाम मार्केट में से गुजर के आ जाएंगे, 1-2 साल आपको लगेंगे, जब आप इन सब में गुजर के आ जाएंगे, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास जो है वो स्किल्स भी होंगे, फिर आप अमेजोन में आएंगे, फिर आप अमेजोन होलसेल की तरफ आएंगे, अमेजोन होलसेल में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपको चीज़ों की अच्छी खासी समझ होगी, आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पर क्या स्टेप लेना है, किस तरह चीज़ों को डील करना है,
फिर जब आप अमेजन होलसेल में आएंगे आप क्रैश नहीं करेंगे, आप जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छी टीम होगी, एक अच्छे अच्छा स्किल होंगे, अच्छा आपके पास पैसा होगा, पैसा भी लगा सकेंगे, आपके पास टीम भी अच्छी काम करने वाली होगी और आपको पता होगा काम करना कैसे है। जब आप अमेजोन होलसेल में कामयाब हो जाते हैं फिर आप अपना ब्रांड लॉन्च करें अमेजोन के ऊपर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर आप जब ब्रांड अपना लॉन्च करेंगे आप उसको चलाएंगे भी, आप उस वहाँ से चीज़ें बेचेंगे भी, और आपकी ये जो है